तो आज जो वीडियो है आप देख रहे हैं कि मैं गाड़ी के अंदर बना रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आ रखा हूँ ओला उबर के ऑफिस में आ रखा हूँ, ठीक है। पर ऑफिस में जो है काफी ज्यादा लोगों का भीड़ है, और जो ऑफिस चलाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है, साथ में एक दो लड़के जो आज काम पे नहीं आया है, तो ज्यादा कस्टमर भीड़ होने के कारण जो है मैं सोचा कि मैं ही सारा चीज बता देता हूँ। और ये जो वीडियो है इसमें है कि भाई ब्लॉक आईडी उबर का, अगर कैब का ब्लॉक आईडी है तो ओपन होगा कि नहीं होगा, अगर ऑटो का ब्लॉक आईडी है तो ओपन होगा कि नहीं होगा, अगर न्यू आईडी है तो ज्वाइनिंग ये करेंगे कि नहीं करेंगे, पूरे डिटेल में आज हम बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक जरूर करना। देखिए सबसे पहले होता है कि कैब में जो है बहुत सारी कंपनियां चल रही है, ठीक है, फिर भी कोई गलती के कारण जो है, अगर उबर क्या उबर में अगर आप काम करते हैं तो कोई गलती के कारण जो है आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, तो आपका जो है आईडी ओपन हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉक आईडी जो है चालू हो जाएगी अगर आपकी ड्राइवर की आईडी है या ऑनर की आईडी है। साथ में हम लेते हैं अगर आपका ओला का आईडी है, ठीक है, अगर आपका ओला ड्राइवर की आईडी है और या ओनर की आईडी अगर ऑफ रोड हो गया, कुछ भी हो गया है, तो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपकी न्यू आईडी है, अगर न्यू आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो फिर भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब लेते हैं कि ऑटो की, अगर ऑटो में जो है आपकी आईडी ब्लॉक, क्योंकि ऑटो की जो है सबसे ज्यादा आईडी ब्लॉक होता है, रीजन क्या होता है ऑटो वाला, क्या होता है कि खुद का कस्टमर होता है या भाई नहीं लेके जा रहा है, ठीक है, कितने बार होता है कि राइड आने के बाद भी जो है राइड को ज्यादा कैंसिलेशन करते हैं तो आईडी ज्यादा ब्लॉक हो जाता है, तो ब्लॉक होने के बाद उनको पता चलता है कि भाई मेरी आईडी ब्लॉक हो गई है, ठीक है। तो इमरजेंसी में आपका ओला उबर जो है, हाँ पता है कि ऑटो में खुद की आईडी होती है, खुद का ऑर्डर होता है, ऑन रोड आपको कस्टमर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आदमी को एक्स्ट्रा कमाने के लिए जो है ऑटो की आईडी बना दे ताकि एक्स्ट्रा इनकम हो पाए, ठीक है। तो अगर आपकी ऑटो में आईडी ब्लॉक हो गई है तो आप आकर के चालू करवा सकते हैं, ठीक है। अब आती है कि ये जो मैं ऑफिस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ आपका दिल्ली एनसीआर की जितनी भी ड्राइवर हैं या ओनर हैं या ऑटो के हैं वो आकर के ओपन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है इनका नंबर दे दूंगा, आप कॉल भी कर सकते हैं इनके नंबर पे, साथ में इनके लोकेशन पे अगर आप आकर के काम कराते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। और एक चीज और देता हूँ, ये जो ऑफिस है मुकुंदपुर में पड़ता है, इस ऑफिस का जो लोकेशन है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोकेशन पे क्लिक करके डायरेक्ट भी आ सकते हैं, बाकी आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो ये पूरा सॉल्यूशन है ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर के जितने भी ऑटो ड्राइवर या कैब ड्राइवर हैं या कैब ऑनर हैं उनके लिए है, आउट सिटी के जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं आपका कोई भी फायदा नहीं होगा कॉल करने के लिए, क्योंकि इनके पास अनदर सिटी करने का जो है परमिशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं या दिल्ली में हैं तो आप आकर के यहां से काम करवा सकते हैं और अपना आईडी ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि ड्राइवर का कितना अर्निंग हो पा रहा है, ठीक है, ऑटो ड्राइवर की कितनी अर्निंग होती है साचे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर और कुछ आपको जानकारी लेना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।